नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप देख रहे हैं हमारी एक्सेल वीबीए माइक्रो की क्लासेस, जो कि लाइव क्लासेस है। अभी तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सारे के सारे हमारे लाइव क्लासेस की वीडियोज है, जो कि गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए लाइव कंडक्ट होती है। आप भी चाहो तो हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन ले सकते हैं अपने घर पे, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन। अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस में अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपका मिलता रहेगा। अगर हमारी कंप्लीट वीडियोस की डीवीडी चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सिक्वेंसली अपलोड नहीं है और पूरा अपलोड नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो को सिक्वेंसली आपको चाहिए, तो आप हमारी डीवीडी परचेज कर सकते हैं या फिर मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इन सबों के लिए आप मेरी वेबसाइट ibtindia.com विजिट करें, और कभी भी इन फ्यूचर में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का एक्सेल में आपको फंस जाते हैं, कहीं पर नहीं निकल पाते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो देखिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आज का टॉपिक हम कवर करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और आ रहे हैं, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आज आप लोगों के साथ हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, जो कि थोड़ी सी बेसिक है, थोड़ी सी एडवांस के बीच में है। बेसिकली आपके सामने एक डेटा है, प्रोजेक्ट डेटा सेपरेशन का प्रोजेक्ट है। आपके सामने एक डेटा खुला हुआ है, जो कि ए से लेकर जे तक है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। हमें क्या करना है कि इस डेटा में मंथ वाइज, जितने भी मंथ है, मंथ वाइज डेटा को सेपरेट करना है। अगर मैं मैनुअल बात करूं तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले फिल्टर लगानी है, फिर यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे अप्रैल महीना को सिलेक्ट करना है, फिर डेटा को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एक नई सीट पे जाके इसको पेस्ट करना है, और फिर राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी एंड फाइल को सेव। ठीक है, तो चलिए, अब जैसे कि इसके लिए हमें फिल्टर का कोड नहीं आता और बहुत सारे चीज है जो कि नहीं आते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किए नहीं है, तो इसमें हम आपको रिकॉर्डिंग जो है, माइक्रो रिकॉर्डिंग, उसकी मदद आपको हम करा देते हैं। ठीक है, तो आगे चल के ऐसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जो कि इसकी कोड आपको पता नहीं है, लेकिन वो एक्सेल का फीचर है, तो आप रिकॉर्ड करके उसका कोड ले सकते हैं। दूसरा चीज, कि हम इसकी कोडिंग करने जा रहे हैं तो स्टेप्स मिसिंग हो सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले रिकॉर्ड करके एक बार इसको अप्लाई कर दें। हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ओके। अब मैं यहां पे सिलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, डेटा को यहां से सिलेक्ट किया, और जब भी आप रिकॉर्डिंग माइक्रो कर रहे हो तो डेटा को सिलेक्ट करोगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो से, और कॉपी करने से पहले कंट्रोल जी स्पेशल एंड विजुअल सेल्स ओनली जरूर सिलेक्ट करें, देन इसको कॉपी कीजिए, एक नई सीट पे इसको पेस्ट कर दीजिए, और इसका नाम अप्रैल है, इसका नाम अप्रैल डाल दीजिए, राइट। उसके बाद मैं इसको एक नई सीट में आया, लेकिन मुझे इसको एक नई फाइल में करना है, तो यहां पे करेंगे मूव और कॉपी, और यहां पे न्यू वर्कबुक एंड ओके आ गया। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो उस लोकेशन में जाके इसको हम सेव एज कर देते हैं, जैसे ई ड्राइव के अंदर 2016 या 2017 दे देते हैं, 2017 के अंदर, और 2017 के मई के अंदर नाम देता हूं अप्रैल, और ये हो जाएगा एक्सेल वर्कबुक।
एंड सेव, और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। और इसको स्टॉप करते हैं। अभी हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ये अपने हिसाब से सही नहीं किया है। तो माइक्रो पे जाके हम इसको एडिट करते हैं। अब देखिए, रेंज वन डॉट सेलेक्ट ऑटो फिल्टर सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, इसको दो दो फिल्टर लगा ही नहीं, यहाँ पे लगा है फिल्टर, ऊपर ही तो है, तो दोनों हटा दीजिए आप, जरूरी नहीं है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे रेंज हमारा फिक्स है, तो हमने देखा कि हम A1 पे कर्सर रखे थे और फिल्टर लगा दिए थे, तो हम यहाँ A1 पे भी यहाँ भी फिल्टर लगा सकते हैं। क्राइटेरिया अप्रैल है, A1 सिलेक्ट सिलेक्शन कॉपी सीट हम ऐड किया, पेस्ट किया। अब देखिए कि ये सीट 5 डॉट सिलेक्ट होता है, इसको हटा दीजिए, और सीट 5 डॉट नेम अप्रैल, इसके जगह पे आप एक्टिव सीट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब सीट ऐड करते हैं तो एक्टिवेट होती है, इसे हमने एक्टिव सीट डॉट नेम कर दिया। और ये फालतू का कोड, ये कट को भी मोड फॉल्स रहने दीजिए, ये रहेगा। और अप्रैल डॉट मूव आ रहा है ना, इसकी जगह पे आप कर सकते हैं एक्टिव शीट डॉट मूव, और ये हटा दीजिए, इस लोकेशन में जाके सेव हो गया, और बाकी जो फाइल फॉर्मेट और क्या क्या है वो सब देने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिंपल वे ऐसे तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब को पता है इसकी कोडिंग, इसको हटा दीजिए, एक कोड हमारा फिक्स हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं मैक्रो को रन करूंगा तो एक अप्रैल डेटा को कॉपी करके और उसको 2000 इस लोकेशन में सेव कर देगा। लेकिन यहीं पे हमारा खत्म नहीं होता है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितने भी महीने हैं वो तो सारे महीने वो करे, समझे? तो उसके लिए मुझे एक और मैक्रो रन करना पड़ेगा, रन, जो कि इसकी कॉपी करता हूं, ये एक नई सीट पे जाएगा और इसको पेस्ट कर देगा। पेस्ट करने के बाद डेटा में हमारे पास होता है रिमूव डुप्लीकेट, ताकि जितने भी यूनिक मंथ है वो हमें दिख जाए, राइट? तो इसकी कोड ये रही। तो यहां पे कॉलन जे बाई जे डॉट सेलेक्ट सीट आफ्टर सीट पेस्ट एक्टिव सीट एंड एक्टिव सीट डॉट पेस्ट फॉल्स, और रेंज रिमूव डुप्लीकेट आपको दिख रहा है। तो यहां पे आप पूरा के पूरा कॉलन ले लीजिए, सही रहेगा, कंफ्यूज है ना कौन सा एरिया हो सकता है, तो पूरा कॉलम ले लीजिए। अब इस कोड को हम इसके ऊपर डाल देते हैं, डाल दिए सर, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा सर? लेकिन उससे पहले हमें सीट 1 पे रहना पड़ेगा ना, तो यहां भी सीट 1 कर दिया और यहां भी हम सीट 1 कर देंगे, लेकिन फिर भी लिंक नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लगाएंगे लूप, जो लगाएंगे फोर लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फोर। उससे पहले अब यहां इसकी एक्टिव सीट का नेम क्या है वो हमें नहीं है पता है, तो इसके लिए हम वेरिएबल करते हैं सीट नेम n इक्वल टू एक्टिव सीट डॉट नेम, क्योंकि हर बार ऐड होगी तो डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकता है, इसलिए हमने n पे स्टोर कर लिया।
अब यहां पे अब मुझे इसको क्या करना है कि जितना हमारा डेटा है इसके अंदर जितना डेटा डेटा है उतना बार इसको रन करना है। तो पहले बार में अप्रैल, दूसरी बार में कुछ, तीसरी बार में कुछ, इस तरीके से, समझिए। तो कैसे करें, तो इसको हम लूप लगा सकते हैं। हम यहां लगा देंगे फोर आई इक्वल टू चले टू से कहां तक, सीट सिक्स के सबसे लास्ट तक। तो हम यहां पर दिया सीट्स और सिक्स तो फिक्स नहीं है, सिर्फ एन, क्योंकि सीट सिक्स का नाम हम एन पे स्टोर कर रखे हैं। तो एन डॉट रेंज और यहां पे हमने दे दिया ए 65,000 डॉट एन और यहां पे एक्सल अप और यहां पे डॉट रो कल का मेथड और फिर यहां पे नेक्स्ट आई। अब आई पे हमेशा मान स्टोर होता है, ये चीज मैंने बताया था जब हमने फोल्डर क्रिएशन की टॉपिक कराई थी आपको। तो अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये अप्रैल जो है कैसे कर लेगा। तो यहां भी उसी सेम रेफरेंस लेते हैं कि सीड्स एन डॉट रेंज ए कॉलम के साथ कंबाइन हो जाएगा आई डॉट वैल्यू। अब जहां जहां अप्रैल था वहां वहां इसी कंसेप्ट को आप लिख दें। एक्सेल अप होना चाहिए, माफ कीजिएगा, बुढ़ापा आ गई ना इसलिए गलतियां होने लगी है सर। और इसको पेस्ट कर दिया और यहां भी हम एड्रेस सेम तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरा माइक्रो फाइनल। ठीक है सर, मैं एक बार ई ड्राइव में जाता हूँ, किसी के माइक से दूर आ रहा है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अब मैं एक बार इस माइक्रो को टेस्ट करता हूँ ताकि कोई गलती हो तो सामने दिख जाए। मैं इस पर इसको भी डिलीट मार देता हूँ। डेवलपर माइक्रोज माइक्रो वन एंड रन डिबग आउट ऑफ स्क्रिप्ट रेंज। सिक्स सेवन टू अप्रैल तो डाल दिया लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है। एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज ई ड्राइव में जाओ मई एंड सीट सेवन ए के साथ टू डॉट वैल्यू। एक मिनट मुझे, अच्छा हाँ समझ गया क्या गलती है, क्योंकि हमने इसमें इसका फाइल नेम तो नहीं दिया हुआ है ना, इसका फाइल नेम, क्योंकि एक्टिव सीट एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव है तो सीट एन कर दिया, तो सीट सेवन जो है वो हमारा जो अप्रैल पहले जहां पे डेटा कॉपी पेस्ट किया है वहां ढूंढ रहा है, मतलब कि ए इस फाइल बुक थ्री में सीट सेवन ढूंढ रहा जो कि नहीं है, जबकि इसको ढूंढना चाहिए कहां पे, डेटा सीट में। तो हमें यहां पे सीट सिक्स से पहले वर्क बुक का भी देना पड़ेगा, समझ गया सर, वर्क बुक्स और यहां हो जाएगा हमारा डेटा डॉट एक्सएलएस एम और फिर डॉट लगे। ठीक है, अब मैं इसको ये करता हूं, ब्रेक मोड में है, वापस रिप्ले करता हूं, अभी भी दिक्कत आ रहा है। एक्टिव विंडो
ये दोनों ही सजेस्ट हो गया, एक्टिव विंडो नहीं एक्टिव वर्कबुक था यहाँ पे, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए डेटा फाइल में अप्रैल से लेकर सितंबर से पूरा डेटा क्रिएट आपका जो है 12 फाइल क्रिएट हो गया, और 12 फाइल में देख रहे हैं उसी का डेटा है। क्लियर सर? अब इस कोड को आप लोग एक बार मैं आपको समझाता हूं कि कोड क्या है, कैसे इसको हुआ। सबसे पहले हम सीट वन पे गए, जो हमारा सीट वन है, क्योंकि हमारे पास जो है दिक्कत क्या है कि हमारे हमें जो डेटा लुकअप करना है तो किस किस मंथ का लुकअप करना है उसका वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू कई बार रिपीटेड है, तो इसलिए हमने यहाँ ये जो है सीट वन को सिलेक्ट करके कॉलम जे बाई जे को कॉपी किया और एक नई सीट ऐड करके उसमें पेस्ट कर दिया और एस्केप मारा, तो ये जो पेस्ट कर कॉपी करने के बाद ये घूमता रहता है ना, एस्केप मारने से हट जाता है, कट कॉपी मोर फॉल्स यही कहलाता है। फिर इसने क्या किया कि रिमूव डुप्लीकेट किया पूरे कॉलम का, तो एक्टिव सीट रेंज ए बाय ए रिमूव डुप्लीकेट कॉलम वन पहला ही कॉलम है और इसकी हीडर जो है नो, मतलब कि इसकी हीडर को भी पिक कर रिमूव डुप्लीकेट के अंदर नहीं रखना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब सीट ऐड होता है तो मुझे नहीं पता कि सीट कौन सा है, राइट? तो इसलिए हमने उस सीट का नाम यहां रख दिया ताकि आगे इसका रेफरेंस लेने वाले हैं। तो हमने जो मैक को रिकॉर्ड किया तो वो एक महीने को कॉपी वेस्ट करता था, लेकिन मुझे हर के लिए चाहिए 12 महीने के लिए चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसके लिए लूप का इस्तेमाल किया ताकि इसको 12 बार रिपीट कर सके। तो हमने यहाँ 2 से स्टार्ट किया, 2 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो डेटा कॉपी हुआ है उसके पहले फील्ड में गया है हमारा, तो पहले फील्ड में हमारा क्या है मंथ है, हमने बोला 2 से चले 13 तक, 12 हो गया ऑटोमेटिकली, तो रेफरेंस लेने में आसानी होगी मुझे, नहीं तो यहां पे माइनस प्लस, अगर मैं 1 से लेके 12 करता तो यहां पे आपको प्लस 1 करना पड़ता। तो हमने यहां पे स्टार्टिंग पोजीशन 2 डाली है और एंडिंग पोजीशन के लिए कल जो मैंने आपको डायनेमिक रेंज बताया था उसमें जो एक्सेल अप एंड डाउन बताया था उसमें 3rd से हमने लास्ट सिचुएशन निकाल ली, ताकि कल के डेट में अगर मंथ बढ़ता घटता है या कोई मंथ के अंदर कोई और होता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाए। फिर वापस सीट वन को सिलेक्ट किया, ए वन को सिलेक्ट किया, फिल्टर अप्लाई किया और फिल्टर में जो क्राइटेरिया हमने लगाया वो क्राइटेरिया बोला कि ए मतलब सीट एन के अंदर, मतलब जो सीट हुई है हमारी इंसर्ट जो हुआ है यहाँ पे, उस सीट के एन सीट में जाओ और उसकी ए के साथ हमने आइकॉन कनेक्ट किया, मतलब कि अगर पहला 2 होगा तो A2 की वैल्यू को फिल्टर करो, फिर A3 की, A4 की, A5 की, ऐसे I अपने आप को इंक्रीज करेगा क्योंकि I लूप का काउंटर है कि लूप कितना बार चला है उसकी एक काउंट रखता है, ठीक है। और हमने A1.select सिलेक्शन को कॉपी किए, कॉपी के बाद हमने इसको स्पेशल सेल्स के जरिए सिर्फ विजुअल सेल को सिलेक्ट किया, फिर उसको कॉपी किया हमने और हमने सीट ऐड किया, पेस्ट किया, उसका नाम हमने चेंज किया, फिर हमने कॉपी को स्केप करके हटा दिया, फिर हमने सीट को मूव किया एक नई फाइल में और उसको फिर हम सेव एज किए इस लोकेशन में, लेकिन फाइल का नाम जो है वो फाइल का नाम होना चाहिए जो फिल्टर हुआ है, तो यहाँ पे अलग फाइल आ गई क्योंकि मूव हो चुका है, फाइल नहीं आ चुकी है, इसलिए हमें वर्कबुक के साथ पूरे इसको लेना पड़ा। और फिर जब फाइल सेव हो जाती है तो उसको हम क्लोज कर देते हैं, वापस हम सीट वन को एक्टिवेट कर देते। अब ये हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो से किया, इसलिए किया ताकि हमें इतने सारे कोड करने की जरूरत ना पड़े, हम कोड को जस्ट ठीक ठाक करें। तो ये काम जिसके कोडिंग करने में मुझे आधा घंटा लगता है, 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, वो हमारा बहुत कम समय में हो गया। अब बताइए आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस रिपोर्ट पे, इस मैकोज पे।
सर जो रिकॉर्डिंग मैक्रो होता है कभी कभी वो एरर देता है, तो वो हमें सही करना पड़ता है उसमें। हाँ अभी हमने सही किया है इसने। हमने देखा जहां जहां सीट के नाम थे वहां वहां हटा के हमने एक्टिव सीट डाले, जो फालतू कोड था उसको डिलीट किया। अच्छा, और सर मेरा एक क्वेरी था, यदि मुझे आपका, मैंने एक पुराना यूट्यूब का वीडियो देखा था, एक अभी तो हम मेरे बात अभी पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी लोगों से भी तो पूछ लेते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पंकज पंकज जी, संदीप जी और शाहनवाज इंजारी जी, आप लोग भी कुछ बोलिए। हेलो हाँ पंकज जी, डॉक्टर, ये समझ में आ गया आप लोगों को ना हेलो। सर? अच्छा समझ में आ गया सर, मैंने एक रिकॉर्ड मैक्रो मतलब रिकॉर्डिंग मैक्रो किया था, ना प्रोटेक्शन लगा के नहीं चला वो वो बताया ना साल आपको भर। कि रिकॉर्डिंग माइक्रो करने के बाद उसको अपने हिसाब से चेंज करना ही पड़ता है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग वन माइक्रो जीरो हम जीरो अपने फोर सर रिकॉर्डिंग माइक्रो अपने हेल्थ के लिए करते हैं, ताकि मुझे मान लीजिए मुझे आपको मैंने अभी तक रिमूव डुप्लीकेट का कोड नहीं पढ़ाया तो यहां से निकल गया, आपको नहीं पता था। ठीक है, आपको फिल्टर लगाना नहीं पता था, आपको स्पेशल सेल्स नहीं करना नहीं पता था, ये सारे कोड निकल गए ना। बाकी कोड तो आपको पता ही था, बस यही दूसरे दो तीन कोड नहीं सर, पता था ना। बाकी इसमें सारा कोड तो पता ही है आपको। ठीक है, ओके अब बताइए सचिन जी आप क्या पूछ रहे थे। एक मैंने आपका सेंडिंग मेल वाला वो देखा था वीडियो। हाँ अब मेल बॉडी में, सब्जेक्ट बॉडी में मुझे डेट डिफाइन करनी है कि ये डेट आनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे डेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या कोई हाँ डेट का और फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा डेट 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 लगा दीजिए आप, सर? ठीक है, डेट लिख दीजिए सिर्फ और डेट। ब्रैकेट के अंदर लिखे सर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लिखना है तो ब्रैकेट भी कौन इन्वर्टेड कोमा के अंदर, कराना ब्रैकेट हाँ इन्वर्टेड कोमा लगा के कॉन्काट लगाइए। है? ओके सर, ठीक ये है, सीट भी मैं हेलो सर, हाँ मैं कोड कर दिया मेल सर आपको। ये कोड और ये सीट भी मिल कर। ठीक है, मैं सीट भी आपको मेल कर दूंगा। तो दोस्तों देखा किस तरीके से तकरीबन चार लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, कुछ तो आउट ऑफ इंडिया से भी थे, शहनवाज जी आउट ऑफ इंडिया से थे, बाकी अलग अलग स्टेट से थे, और सुबह के 8 बजे अपने घर पे बैठ के ऑफिस जाने से पहले हमारी ट्रेनिंग ले रहे थे लाइव। अपने डाउट सारे डाउट्स आपके सामने क्लियर किया उन्होंने, मुझे हर एक सवाल मुझसे पूछा उन्होंने। तो इसी तरीके से आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लास नहीं भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी जो फ्री डेमो क्लासेस है वो फ्री डेमो क्लासेस लेने की कोशिश करें, ताकि आपको पता लगे कि हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती है और किस तरह से कंडक्ट होती है। और हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, वो नंबर को नोट कर लीजिए। इन फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको एक्सेल में मिली, आप मुझे फील फ्री होके कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हमारी डीवीडी परचेज करने के लिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। या किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतनी ही ज्यादा मुझे मोरल सपोर्ट मिलेगा और नए नए वीडियोज बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।